प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने साफ कर दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को लोगों तक जोर शोर के साथ ले जाएगी और बताएगी कि धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव हुए हैं। कुछ समय पहले तक यहाँ के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 2 साल बाद जम्मू पहुंचे, लोगों से मिले और साथ ही 32,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में IIT, IIM और केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। जिन रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें बनिहाल खारी सुंबर संगलदान और बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान खंड के बीच रेलवे लाइन शामिल हैं। साथ ही उन्होंने घाटी में पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन और संगलदान और बारामूला स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत जरूरत थी, ये हमारे टूरिज्म के लिए भी बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रदान करेंगे। जिनके कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में करीब 1500 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि जो 11 साल पहले उन्होंने वादे किए थे वो आज पूरे हो गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस सब का फायदा उन्हें आने वाले चुनावों में मिलेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।